शुभ समय में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं इस समय हमारा विशेष कार्यक्रम जीएसटी। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। शाह ग्रुप इंपोर्टर एक्सपोर्टर एंड सप्लायर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, कंप्लीट सॉल्यूशन इन स्टील, स्टील लाइन इंडिया, सिस्टर कंसर्न रॉयल स्टेनलेस स्टील, पार्ट स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, स्पेशल स्टील एंड एलॉयज। शांति मेटल स्टॉकिस्ट एंड इंपोर्टर, वेल्डिंग इलेक्ट्रो रोड, फिलर वायर ऑफ स्टेनलेस स्टील, मोनल निकल इनकोनल टीटानियम हास्ट एलॉय, रेडी स्टॉक जापान यूएसए कोरिया। अधिक जानकारी के लिए www.shantimetal.com को लॉग इन करें। शांति मेटल, तीसरा कुंभारवाड़ा मुंबई 4, टेलीफोन नंबर 02223889468। देश का सबसे बड़ा मेगा शो जीएसटी, जो पूरा देश 125 करोड़ देश जनता आतुर है, 30 जून को आधी रात को जीएसटी का संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जो ही घंटा बजेगा जीएसटी लागू हो जाएगा। इस बात को लेकर के आज मुंबई में महात्मा का एक बहुत बड़ा, कहने को तो ये था कि जीएसटी पाठशाला, लेकिन यह मेगा जीएसटी पाठशाला हुई है। उसमें कई अधिकारियों ने जो है शामिल होकर के जीएसटी पाठशाला को और सुंदर बना दिया है। हमारे साथ में इस समय जीएसटी के अवेयरनेस को लेकर के वर्षा जी यह है और मासमा के अध्यक्ष महोदय है। और यही आपने देखा होगा कि पूरा हुंजुम का हुंजुम, पैर रखने को जगह नहीं थी। एक ऐसा इवेंट मैं समझता हूँ जीएसटी को लेकर के शायद ही ऐसा कभी हुआ हो। आपका पहले तो शुभ समय में स्वागत है। आज का ये जो मेगा शो है मासमा की तरफ से और जीएसटी को अवन्य, जब 30 जून की आधी रात तक बचा है, तो आप इस व्यापारियों को किस तरह से संतुष्टि दे पाएगी, किस तरह से बात कर पाएगी? सबसे पहले तो मैं मासमा को धन्यवाद देती हूँ कि इतने लोगों को जागृत करना और उनको सही रास्ता बताना जीएसटी का, ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। जीतू भाई, आपके लिए स्पेशल थैंक्स। और मैं मेरे चीफ कमिश्नर का भी धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे बड़े पाठशाला में उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था। मैं ये कहती हूँ कि जीएसटी शायद शुरुआत में आपको थोड़ा समझने के लिए देर लगेगी, लेकिन ये हमारे सबके भलाई के लिए है। आपको एक ऑल इंडिया मार्केट मिलेगा। सीएसटी का जो आपका कैस्केडिंग इफेक्ट रहता था, वो तकलीफ हट जाएगी। ऑल ओवर इंडिया आप सब एक मार्केट करके उसको सेल कर सकते हैं। और साथ में जो जेन्युइन है, जो ऑनेस्ट सप्लायर्स हैं, ऑनेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऑनेस्ट डीलर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा मौका है कि अपने ऑनेस्टी के बल पर अपना बिजनेस वो बढ़ा सकते हैं। जीएसटीएन में रेटिंग आने वाला है, जो 5 के नीचे रेटिंग है वो उनका रहेगा कि जो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं, माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो उससे आप सबको पता चलेगा कि हमको किन के साथ बिजनेस करना है और किन के साथ बिजनेस नहीं करना है। जीएसटी के साथ एक छोटे व्यापारियों का एक तरह से अप्रत्याशित भय है कि हमारे साथ क्या होगा, हमें नहीं मालूम हमें क्या होगा, और एक तरह का जो है ऐसा वातावरण तैयार होता है कि चलिए घर में 2 दिन बाद में शादी है और तैयारी कुछ नहीं है, उनको ऐसा लगता है। तो छोटे व्यापारियों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या अभयदान है? सबसे पहले तो छोटे व्यापारियों के लिए ये हम कहना चाहते हैं कि शुरुआत में तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में जो कंट्रोल्स होते हैं, वो कंट्रोल अभी नहीं शुरुआत में रहेंगे, क्योंकि आप सब लोग नए इसमें काम करने वाले हो, तो इस तरह से रास्ते पे माल पकड़ना या इस तरह से कोई एक्टिविटी अभी नहीं होगी। या आपको हर पेपर में भी पढ़ने को मिल रहा होगा। और आप एक हद दिन थोड़ा सा होल्ड करके, लेकिन अच्छे तरीके से आपका बिल बनाओगे तो आपको और कोई तकलीफ नहीं है। और आपको रिटर्न फाइल करने के लिए, समझने के लिए और 1 महीना पूरा मिल रहा है। आपको 10 अगस्त को आपके रिटर्न फाइल करने हैं, तब तक और भी कुछ आपकी क्वेरीज होगी तो आप नज़दीक के कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जा सकते हो और उनसे ये सलाह ले सकते हो। एक्साइज का जो अभी सर्विस टैक्स एक्साइज के अभी जो जीएसटी कमिश्नरेट हो गए हैं, वहाँ पर हर जगह पर सेवा केंद्र ऑफिसर्स हैं और आपके हर प्रॉब्लम के लिए सेवा केंद्र का ऑफिसर हर वक्त आपके लिए सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक तो हाजिर रहेगा। आपकी कोई भी कठिनाई आप उनके पास लेके जा सकते हो। इस देश में आज भी बही खाता पद्धति का नियम चला है, आज भी अपने वेट और सेल टैक्स वाले बही खाता को मान्य करते आए, आज भी महाजनी बही खाता से जो है वो लेन देन करते आए, जो करोड़ों का कारोबार करते हैं, कभी उन्होंने कंप्यूटर तक देखा नहीं है। और इस परिस्थितियों में कंप्यूटर उनके घर में नहीं होगा, उसके प्रमाइसेस में नहीं होगा, तो वो किस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे, आप जरा उनको बताएं, संतुष्टि दें।
जी गवर्नमेंट के टैक्स प्रैक्टिशनर करके रजिस्ट्रेशन हो रहा है। टैक्स प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर हो जाएंगे वो आपको दिखाई देंगे, आपके नज़दीक के कोई पहचान वाले या नज़दीक का कोई कंप्यूटर वाला है उनसे, और आप उनसे चूज़ कर सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिए हुए टैक्स प्रैक्टिशनर होने के नाते वो ज़रूर आपका परिस्थिति का फ़ायदा नहीं उठाएंगे और जितना भी जेन्युइन रेट आपको है उतना लगाएंगे, लेकिन टैक्स प्रैक्टिशनर और साथ में जिम्मेदारी उनकी भी रहेगी कि वो जिस कंपनी का जो डीलर का काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी रहेगी। तो अभी डरने की बात नहीं है और टैक्स प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर हो रहे हैं उनके थ्रू आप ये पूरा काम कर सकते हो। और सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आप और हम सब मिला के ये जीएसटी सक्सेसफुल करेंगे। और सबके लिए मैं 3 cheers बोलना चाहती हूँ और सबके लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक है। इसी के साथ सभी देश के सभी व्यापारियों के लिए शुभ समय हो, देश के लिए जीएसटी का शुभ समय हो, आम आदमी का शुभ समय हो, इसी विश्वास के साथ में। एक तो मैं एसएस न्यूज को धन्यवाद दे रही हूँ कि वो लाइव कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे उनको भी वो सवाल और सवाल जवाबों से काफी राहत मिली होगी, तो आपके लिए स्पेशल धन्यवाद। और मेरे साथ सब लोग बोलेंगे जीएसटी इज फॉर अस, जीएसटी इज फॉर अस, और वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। धन्यवाद। देश के व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है, ये एक्साइज जॉइंट कमिश्नर वर्षा मैडम का ये कहना है, जॉइंट कमिश्नर वर्षा मैडम का कहना है, सरकार की पूरी तैयारी है, वो कोई शक नहीं, उन्होंने कहा 100% हमें तैयार है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो व्यापारी समझते हैं कि हम 50% ही तैयार है। धीरे धीरे हैबिचुअल आदत हो जाएगी, सरकार की तरफ से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, ये आश्वासन किसी संस्थान का नहीं, सरकारी अधिकारी का है, ऑथेंटिकेशन का है। और मैं समझता हूँ ये जीएसटी को लेकर के वन टैक्स वन नेशन और वन मार्केट का जो फॉर्मूला देश में आ रहा है निश्चित रूप से देश को ऊंचाइयां ले जाएगा, उस पर कोई शक नहीं। इसी के साथ में मासमा के अध्यक्ष जीतू भाई जी, आज का ये मेगा शो के बारे में आप बताएं। मेटल एसोसिएशन का ये दूसरा शो रहा है, कुछ दिनों पहले हमने 6 बिरला के बैतुश्री में किया था जहाँ 1200 लोग थे, फिर भी जैसे जैसे मैं लोगों को मिलता था, लोगों के दिमाग में कई संदेह थे, कई चीज़ों के बारे में उनकी क्वेरीज थी, तो मैंने राजीव जलोटा जी से बात की, वर्षाने साहब से बात की कि भाई एक्साइज ऑफिसर अगर सेलटेक्स ऑफिसर आके अगर लोगों का जवाब देंगे तो ज़्यादा ऑथेंटिकेट होगा पड़ेगा। एज अ प्रेसिडेंट मुझे पता है कि जीएसटी बहुत अच्छा है देश के लिए, बहुत सुविधा हो जाएगी लोगों की, एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, सही लोग बिजनेस कर पाएंगे और काम बढ़ेगा, लेकिन छोटे छोटे व्यापारियों को जब आशंकाएं थी, लेकिन आज का ये सेमिनार होने के बाद मुझे भरोसा है और विश्वास है कि सभी लोगों की शंकाएं दूर हो चुकी है, और जो इन्होंने जो जवाब दिए हैं, जिस सरलता से जिस आसानी से जवाब दिए हैं, लोगों के दिमाग में भय कम हो गया होगा, और ये जीएसटी की शुभ शुरुआत से हो रही है, उसको ये आराम से उसमें ट्रांजिट पीरियड को आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब देश का व्यापारी वेलकम करने के लिए तैयार है। मासमा इसको वेलकम करता है और हमारे सारे व्यापारी इसको वेलकम करते हैं, और मैं चाहता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री का जो विजन है वन नेशन वन टैक्स, उसमें हम सारे व्यापारी सहयोग करें और सभा करें और देश को आगे ले जाएं। मैं इसको एंड करना चाहूंगा, सोच को बदलो सितारे बदलेंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, बार बार कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशा को बदलो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। अब ये दिशा बदलने की जरूरत है और जीएसटी को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद एसएस न्यूज का, जो हमारे पिछले कई 2 महीनों से जीएसटी के लिए हमारे साथ कमर कस के खड़ा हुआ है और हमारी सारी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, लोगों तक पहुंचा है, अवेयरनेस बढ़ाने में एसएस न्यूज ने जो काम किया है उसको एक बार फिर से सलाम करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। मासमा की जीएसटी की पाठशाला में विशेषज्ञ श्री निशांत शाह, श्री अनय बनाटी, श्री निशांत मेहता, जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स श्री वी बोलोलीकर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स डॉक्टर देवीस अलवारिस और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज वर्षा कोलहटकर ने व्यापारियों को जीएसटी पर जानकारी दी, उनके प्रश्नों को हल करने की पूरी कोशिश की। ज़्यादा पैनिक हो गए लोग, जीएसटी एक सिंपल सा एक्ट है, 2-3 महीना आपको लगे उसको समझने में सिस्टम्स को, बाकी एकदम सिंपल है और ये बहुत अच्छे है गवर्नमेंट के लिए और लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तो आपका सी फॉर्म एच फॉर्म सब निकल जाएगा और आपको जहाँ पे काम करना है आपके लिए सुविधा है, इंडिया में कहीं पे भी कोई भी स्टेट में आप आसानी से काम कर सकते हो। मासमा की तरफ से पूरा वार्म वेलकम है, कोई इशू नहीं, इसके लिए सेमिनार हम लोग काफ़ी कर रहे हैं मासमा की तरफ से, तो शॉर्ट कितना भी प्रॉब्लम हो सब शॉर्ट करने के लिए रेडी बैठे हैं।
कैमरा पर्सन एकनाथ के साथ, डेस्क रिपोर्टर शुभ समय, ऑनलाइन लाइव न्यूज चैनल मुंबई।